तो दोस्तों, जैसे मैं आप लोग को पता है कि 1 फरवरी का जो है 12th क्लास आने की जो है आप लोग का फिजिक्स भौतिकी शास्त्र का जो है 1 फरवरी को जो है आप लोग को एग्जाम है, वैसे में जो है आप लोग को पढ़ने की समय सीमा जो है अब समाप्त हो चुकी है। वैसे में मैं यहाँ पर जो है वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है लेकर आ गया हूँ, जो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में यहाँ पर जो है 110% जो है यहाँ पर लड़ेंगे, मैं इतना गारंटी देता हूँ। आप लोग वीडियो को कहीं पर आराम से बैठ जाइए और इस पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है देख लीजिए, क्योंकि जो है यही ऑब्जेक्टिव जो है बोर्ड परीक्षा में आया है। तो आप लोग कहीं पर आराम से बैठ जाइए और सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लीजिए, क्योंकि जो है आप लोग को जो है अब समय सीमा जो है समाप्त हो चुकी है। अगर आप लोग ये सारा ऑब्जेक्टिव देख लेंगे तो आप जो है सीधा परीक्षा में जो है परीक्षा हॉल में जो है आप लोग सीधा का सीधा जो यहाँ पर सारा ऑब्जेक्टिव जो छाप देंगे, क्योंकि जो है ये वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले यहाँ पर वीडियो को अभी तक जो है आप लोग लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि और भी छात्र छात्राओं तक पहुँच सके। और अभी तक जो है आप लोग इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जुड़ जाइए। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है, किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है तो क्या? शून्य होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है बी सही है, 1 नंबर क्वेश्चन की। और यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, 1 वोल्ट से आवेशित 1 माइक्रोफराइड धारिता वाले संधारित्र पर कुल आवेश होगा, तो कुल आवेश कितना होगा? 1C होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? सी सही है, 2 नंबर क्वेश्चन की। चलिए यहाँ पर चलते 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया गया है, धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, तो धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वे जो है त्वरित होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? बी सही है, 3 नंबर क्वेश्चन की। चलिए अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ गया, 4 नंबर क्वेश्चन, किलोवाट घंटा मात्रक है, तो किलोवाट घंटा जो मात्रक जो है यहाँ पर क्या है? विद्युत ऊर्जा का है। तो इसका करेक्ट आंसर बी सही है। यहाँ पर आप लोग सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखते चलिए, यही सब जो क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आया है। तो यहाँ पर जो है 5 नंबर क्वेश्चन है, लेंज का नियम किस संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है, लेंज का नियम किस संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है? तो ये जो है यहाँ पर ऊर्जा के सिद्धांत से जो यहाँ पर संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? सी सही है। अब चलिए यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया गया है, मुक्त आकाश का पारावैद्युतता का मान होता है, तो मुक्त आकाश का पारावैद्युतता का मान जो होता है यहाँ पर क्या होता है? तो यहाँ पर 8.85 × 10⁻²⁻² होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो सी सही है, 6 नंबर क्वेश्चन की। चलिए अब यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन जो आ गया, यहाँ पर 50 माइक्रोफराइड धारिता वाला एक संधारित्र 10 वोल्ट विभव तक आवेशित किया जाता है, संधारित्र की ऊर्जा होगी, तो इसका संधारित्र की जो ऊर्जा जो होगी क्या होगी? तो ये जो हो जाएगी 2.5 × 10⁻³⁻³ जो है यहाँ पर जे हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या सही है? तो बी सही है। 8 नंबर क्वेश्चन है, 1D ग्राफ जनरेटर एक मशीन है जिसके द्वारा जो है उत्पन्न होता है, तो ये यहाँ पर 1D ग्राफ जो है एक जनरेटर एक मशीन है जिसके द्वारा क्या उत्पन्न होता है? तो यहाँ पर जो उत्पन्न जो होता है यहाँ पर उच्च वोल्टेज का जो है यहाँ पर उत्पन्न होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है बी सही है। अब चलिए यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन जो आ गया, 9 नंबर, एक तार में 1A धारा प्रवाहित हो रही है, यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻¹⁹ हो तो यहाँ पर क्या होंगे? तो यहाँ पर जो हो जाएंगे आप लोग को जो है क्या 6.25 × 10⁻¹⁸ हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो बी सही है, 9 नंबर क्वेश्चन की। अब यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है, तो डायनेमो का कार्य का सिद्धांत जो आधारित है ये जो है विद्युत चुंबकीय के प्रेरण पर है। तो इसका करेक्ट आंसर बी सही है, 10 नंबर क्वेश्चन की। 11 नंबर क्वेश्चन है, 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफराइड मिलकर एक 12 बूंद बनाती है, बड़े बूंद की धारिता होगी, तो बड़े बूंद की धारिता जो होगी यहाँ पर 20 माइक्रोफराइड होगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो सी सही है, 11 नंबर क्वेश्चन की। 12 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर अक्षर रहता है, तो अक्षर क्या रहता है? तो ये जो है आवृत्ति रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ये सही है, 12 नंबर क्वेश्चन की। चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर आ गया, 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट × 20 मिनट के तक धारा प्रवाहित होती है, उत्पन्न ऊष्मा होगी, तो यहाँ पर उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी? तो उत्पन्न ऊष्मा जो यहाँ पर होगी यहाँ पर क्या हो जाएगी? यहाँ पर 2800 कैलोरी हो जाएंगी, यानी कि जो है यहाँ पर 2800 जो है कैलोरी हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगी? तो डी सही है। 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिघात का मात्रक है, प्रतिघात की मात्रक है, तो प्रतिघात का जो मात्रक जो है क्या है? ओम है। तो इसका करेक्ट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ गया यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन जो है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ाने पर इसकी आवर्धन क्षमता है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ाने पर इसकी आवर्धन क्षमता है, तो क्या है? तो ये जो है बढ़ती है, यानी कि जो है बढ़ती है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ाने पर इसकी आवर्धन क्षमता यहाँ पर बढ़ती है। तो इसका करेक्ट आंसर बी सही है। अब चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 16 नंबर आ गया,
एक प्रिज्म से गुजरती प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण I1 तथा निर्गत कोण जो है I2 है। किरण में जो है न्यूनतम विचलन की जो है स्थिति में होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 16 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे I1 से जो है 12 जो है यहाँ पर I2 जाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर जो है बी सही है 16 नंबर। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ गया 17 नंबर क्वेश्चन, दशमिक संख्या में 25 को द्विधारी में लिखने पर उत्तर होगा, यानी कि जो है दशमिक संख्या 25 को द्विधारी में लिखने पर जो है उत्तर होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर जो है इसका उत्तर जो हो जाएंगे आप लोगों को करेक्ट आंसर जो है डॉट नट। आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपको क्वेश्चन होमवर्क का हो, CBSE का हो, UP, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP या किसी और बोर्ड का हो, चाहे IIT, JEE, NEET या क्लास 6 से 12वीं का सवाल हो, इन सबका जवाब मिलेगा डॉट नट ऐप पर, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेंगे डॉट नट पर। साथ ही डॉट नट पर क्लास 9वीं से 12वीं बच्चों के लिए चल रही इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डॉट नेट पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डॉट नेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी डॉट नेट ऐप डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। 11001 हो जाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर जो है यहाँ पर, यदि एक गोले पर आवे स्टेन म्यू सी हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स होगी, तो यहाँ पर विद्युतीय फ्लक्स क्या होगी, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे विद्युतीय फ्लक्स 36 pi × 10^(nm²/c) हो जाएगी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या सही है, तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है 18 नंबर क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो 19 नंबर क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, तो ये जो यहाँ पर जो है बामर श्रेणी में पड़ती है, तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है 19 नंबर क्वेश्चन की। 20 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश किरण के तीखे कोर पर मुड़ने की घटना को कहते हैं, तो ये जो है मुड़ने की घटना को जो है क्या कहते हैं, मुड़ने की घटना को जो है हम लोग विवर्तन कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये सही है। अब यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पर आ गया, नीचे दिखाए गए परिपय खंड में ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता होगी, तो यहाँ पर जो आप लोग को जो ये चित्र दिख रहा है यहाँ पर जो है ए तथा बी के बीच जो है समतुल्य धारिता जो है यहाँ पर होगी, ए जो होगी यहाँ पर क्या 20/9 माइक्रोफराइड होगी, तो इसका करेक्ट आंसर सी सही है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ गया, चुंबक की ज्यामितीय लंबाई LG एवं चुंबकीय लंबाई जो है LM में संबंध होता है, तो यहाँ पर LM में संबंध जो होता है यहाँ पर LM बराबर जो है 5/6 LG हो जाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर जो है डी सही है 22 नंबर क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ गया यहाँ पर जो है, पानी तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 एवं 4/3 है, कांच का जो है यहाँ कांच से पानी में जाती हुई एक प्रकाश किरण के लिए क्रांति कोण होगा, तो क्रांति कोण जो होगा यहाँ पर साइन यहाँ पर -1/9/8 हो जाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर ए सही है -1/9/8 हो जाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर ए सही है 23 नंबर क्वेश्चन की। 24 नंबर क्वेश्चन आ गया, यंग के दीव के छिद्र प्रयोग में यदि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य दुगुना कर दिया जाए तो फ्रिज की चौड़ाई हो जाएगी, तो फ्रिज की चौड़ाई जो हो जाएगी यहाँ पर दुगुनी हो जाएगी, तो इसका करेक्ट आंसर बी सही है 24 नंबर क्वेश्चन की। 25 नंबर क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का 3 गुना आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, लेंस की फोकस दूरी है, तो लेंस की फोकस दूरी जो है 36 सेंटीमीटर है, तो इसका करेक्ट आंसर बी सही है 25 नंबर क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ गया, श्रेणी क्रमबद्ध LCR परिपथ में अनुनाद होने के लिए आवश्यक शर्त है, तो अनुनाद जो है यहाँ पर होने की आवश्यक शर्त जो है क्या है, तो यहाँ पर जो है इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे ω L बराबर जो है 1/ω C हो जाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर जो है ए सही है। अब यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन जो आ गया, यहाँ पर एक परिपथ के प्रतिवर्ती धारा का व्यंजक यहाँ पर I बराबर जो है 50 cos 100 πt है, इस प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति होगी, तो यहाँ पर आवृत्ति जो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर आवृत्ति जो है हो जाएंगे आप लोग को 50 Hz हो जाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर जो है बी सही है 27 नंबर क्वेश्चन की। 28 नंबर क्वेश्चन है, बूस्टर का नियम है, तो बूस्टर का नियम जो है क्या है, बूस्टर का नियम जो है यहाँ पर क्या हो जाएंगे, तो μ = tan IP हो जाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी सही है 28 नंबर क्वेश्चन की। अब यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन आ गया, बीटा क्षय उत्पन्न करता है, तो बीटा क्षय जो है क्या उत्पन्न करता है, तो संभारिक उत्पन्न करता है, तो इसका करेक्ट आंसर ए सही है 29 नंबर क्वेश्चन की। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम है, निम्नलिखित
विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसका तरंग दैर्ध्य जो है सबसे कम है, तो ये जो है यहाँ पर किसका है, तो ये जो है गामा किरण का है। तो इसका करेक्ट आंसर सी सही है, तीसरे नंबर क्वेश्चन की। 31 नंबर क्वेश्चन है डी, बुर्गली तरंग दैर्ध्य लैम्डा एवं संवेग पी के बीच संबंध है, तो ये जो है किसका बीच जो है संबंध है, तो लैम्डा बराबर जो है एच बाई पी की जो है बीच संबंध है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है बी सही है, 31 नंबर क्वेश्चन की। 32 नंबर क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाता है, ट्रांसफार्मर का क्रोड बनता है, तो ये जो है नर्म लोहा से जो है बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है 32 का ए सही है। अब यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युतीय क्षेत्र से त्वरित नहीं होता है, निम्नलिखित में से कौन विद्युतीय क्षेत्र से त्वरित नहीं होता है, तो ये जो हो जाएंगे आप लोगों को जो है न्यूट्रॉन से, न्यूट्रॉन से जो है विद्युतीय क्षेत्र से जो है त्वरित नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी सही है। अब यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन आ गया, दो परमाणु के परमाणु का अनुपात 1/27 है, 1:27 है, उनकी नाभिकीय त्रिज्याओं का अनुपात है, तो इनकी नाभिकीय त्रिज्याओं की अनुपात जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, 1:3 हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये सही है, 34 नंबर क्वेश्चन। क्या 35 नंबर क्वेश्चन आ गया, भूत तरंगों के लिए आवृत्ति होनी चाहिए, भूत तरंगों के लिए आवृत्ति होनी चाहिए, तो भूत तरंगों के लिए जो है आवृत्ति जो होनी चाहिए वे जो है 1500 kHz से कम होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर जो है क्या हो जाएंगे, तो बी सही है, 15 नंबर 35 नंबर क्वेश्चन की। अब यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर जो है एक समान विद्युतीय क्षेत्र ई ध्रुव को ई की दिशा से थीटा विक्षेपण में किया गया कार्य होता है, तो ये जो थीटा विक्षेपण में किया गया कार्य जो है यहाँ पर क्या होता है, डब्ल्यू बराबर पी ई 1-cos θ जो यहाँ पर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर ए सही है, 36 नंबर क्वेश्चन की। अब यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन आ गया, एन टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होते हैं, एन टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होते हैं, तो क्या होते हैं, तो ये जो होते हैं यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन का होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सी सही है, 37 नंबर क्वेश्चन की। अब 38 नंबर क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता महत्तम है, निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता महत्तम है, तो ये जो है यहाँ पर किसका है, तो यहाँ पर अल्फा किरण का है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है बी सही है, 38 नंबर क्वेश्चन की। अब यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर 284 में कहा एक नाभिकी पहले अल्फा कण और फिर बीटा कण उत्सर्जित करता है, परिणामी नाभिक की परमाणु संख्या होगी, तो ये जो होगी यहाँ पर जो है 83 होगी। तो इसका करेक्ट आंसर बी सही है। 40 नंबर क्वेश्चन, पूर्ण तरंगी दृष्टिकोण में यदि निवेश आवृत्ति 50 Hz है तो निर्गम आवृत्ति होती है, पूर्ण तरंगी दृष्टिकोण में यदि निवेश आवृत्ति 50 Hz है तो निर्गम आवृत्ति होगी, तो ये जो है क्या होगी, 50 Hz हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर जो ये सही है। अब 41 नंबर क्वेश्चन आ गया, किसी परिपथ का प्रतिरोध 12 ओम तथा प्रतिबाधा जो है 15 ओम है, परिपथ का शक्ति गुणांक होगा, तो प्रतिरोध का जो शक्ति गुणांक जो है 0.8 हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर जो है बी सही है, 0.8 हो जाएंगे। अब 42 नंबर क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर प्रकाश तरंगों के संचरण में दोलन तल की दिशा तथा ध्रुवन तल की दिशा के बीच कोण है, प्रकाश तरंगों के संचरण में दोलन तल की दिशा तथा ध्रुवन तल की दिशा के बीच जो है कोण है, तो ये जो है 90 डिग्री की जो है यहाँ पर कोण है, यानी कि 90 डिग्री का जो है यहाँ पर कोण बनी हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर क्या हो जाएंगे, तो बी सही है, करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर जो है फिजिक्स यानी कि भौतिकी शास्त्र का जो है इस वीडियो में हम लोग 42 और वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए मिलते, जो छात्र छात्राओं ने यहाँ पर सारा ऑब्जेक्टिव देखे होंगे वे जो है बोर्ड एग्जाम से डायरेक्ट जो है जाकर छाप देंगे, क्योंकि जो है यही सब क्वेश्चन जो है बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आप लोग जो है जो भी छात्र छात्राओं ने देखे होंगे वे जो है सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है सही जो है आंसर वो MR sheet में जो है फिलअप कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स यानी कि भौतिकी शास्त्र का जो है वायरल 42 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए, जो भी छात्र छात्राओं ने जो है सारा ऑब्जेक्टिव देख लिए होंगे वे जो है सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है सॉल्व करके आएंगे, उससे जो है एक भी क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।